गाइस क्या आपको पता है टीवीएस आपको पर्सनल लोन भी देता है? अगर नहीं पता है तो गाइस आप ये वीडियो आज पूरा देख लो, क्योंकि मैं आपको यहां पर लाइव प्रूफ के साथ पर्सनल लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं टीवीएस से बिना एक भी डॉक्यूमेंट्स दिए। जी हां गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, टीवीएस आपको पर्सनल लोन भी देता है। आप घर बैठे पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पहले से टीवीएस के कस्टमर हैं। समझे नहीं? अगर आपने पहले से टीवीएस से कोई कंज्यूमर लोन लिया है, या फिर टू व्हीलर लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया, या फिर कोई भी लोन लिया है, तो आप एलिजिबल होते हैं प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर के लिए टीवीएस के अंदर। जी हाँ गाइज, टाइम टू टाइम टीवीएस अपने कस्टमर को प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर भी देता है, जिसको आप केवल ले सकते हैं 40 से 50 सेकंड के अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर, वो भी बिना एक भी डॉक्यूमेंट्स दिए। कैसे आप टीवीएस से लोन अप्लाई कर सकते हैं बताऊंगा आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर। वीडियो में बने रहना, इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, देखिए आप अगर पहले से टीवीएस के कस्टमर है तभी आपको पर्सनल लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूं डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर जाकर, यहां पर देख सकते हैं tvs.com इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर हूं, और यहां पर आपको क्या दिखा दे रहा है, अप्लाई नाउ फॉर लोन ऑनलाइन। अगर आप टीवीएस के कस्टमर नहीं भी हैं तो भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते। आप टू व्हीलर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूज्ड कार लोन के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लोन अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैक्टर लोन, ठीक है, थ्री व्हीलर लोन और यूज कमर्शियल लोन आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल लोन किसको देगा क्रेडिट? टीवीएस क्रेडिट पर्सनल लोन उसको देगा जो ये लोन लिए हुए हैं ऑलरेडी पहले ही, और टाइम से रीपेमेंट कर रहे हैं अपनी सभी इंस्टॉलमेंट का काफी अच्छी तरीके से, उनको क्या करेगा, सेकंड पर्सनल लोन के लिए ऑफर करेगा। कैसे करेगा? उसके लिए आपको टीवीएस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर पर जाकर। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं कर रखी है और आप पहले से टीवीएस के कस्टमर है, टीवीएस से आपने लोन लिया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कंज्यूमर लोन हो, चाहे वो टू व्हीलर लोन हो, कोई भी लोन हो, आपको नहीं पता है, तो गाइज आप डाउनलोड करके देखो, आपको 100% बोलता हूं कोई ना कोई लोन के लिए ऑफर मिलेगा। और देखिए लोन का ऑफर तो यहां पर मिलता ही है, पर्सनल लोन का यहां पर अभी जो है टीवीएस अपने कस्टमर को भैया ईएमआई कार्ड भी बांट रहा है। जी हां गाइस, जिस तरीके से बजाज ईएमआई कार्ड है, जिस तरीके से होम क्रेडिट ईएमआई कार्ड है, एचडीएफसी का ईएमआई कार्ड है, सेम उसी तरीके से टीवीएस ने अपना इंस्टा प्लस कार्ड भी लॉन्च कर रखा है, वो कार्ड भी आप बनवा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे बनवा सकते हैं, कैसे प्री अप्रूव्ड ऑफर उसका मिलता है, कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं, तो गाइज आप आई बटन पर देख लो, वीडियो मिल जाएगी आपको, मैंने लाइव प्रूफ के साथ दिखाया है कैसे आप इंस्टा प्लस कार्ड को बनवा सकते हैं, ठीक है, वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल आपको करना है टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन डाउनलोड, ठीक है, अपने फोन के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई देगी। और टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपकी जो लोन डिटेल है, जो आपने पहले से ली हुई है, वो ऑटोमेटिकली आपको यहां पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। गाइस ईएमआई कैलकुलेट कर पाएंगे, नियरेस्ट डीलर ढूंढ पाएंगे, रेफर करके पैसे कमा सकते हैं, और सॉरी रेफर कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, ऑफर मिलेंगे क्विज में, ठीक है, बहुत सारे लोन का जो है ऑफर आपको मिल जाता है। डायरेक्टली आप एप्लीकेशन के अंदर से लोन भी अप्लाई कर सकते हैं गाइस। और जब आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर मिलते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, वो ऐसे दिखाई देते हैं, अवेल योर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन अप टू 10 लाख है, 1 लाख है, 10 लाख रुपीज। यानी गाइज अगर आप एक अच्छे कस्टमर हैं टीवीएस के, आपने कोई बड़ा लोन ले रखा है, कार लोन या फिर ट्रक कुछ भी ले रखा है, तो आपको यहाँ पर बड़े लोन के लिए ऑफर मिलता है गाइज, ठीक है। फिर आपको उसको सिंपल से काम करना होता है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होता है, वन क्लिक में आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, वन क्लिक में, सही बोलता हूँ आपको यहाँ पर। तो चलिए अभी क्या करते हैं गाइज, अभी हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, डाउनलोड करने के बाद हमने इसको करना है ओपन, और ओपन करने के बाद, ओपन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ गाइज। तो देखिए गाइज यहाँ पर क्या है कि मेरा एक दोस्त है जिसने टीवीएस से लोन ले रखा है, उसके पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा था भाई कंग्रेचुलेशंस, आपको हम प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं जिसको आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, और कितने रुपए की लिमिट दे रही है वो हम दिखाएंगे आपको आगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यानी गाइज अगर आपको इस तरह का कोई मैसेज आपके प्ले स्टोर आपके पास आया हुआ है, तो आप वहां पर जो है एक लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए गाइस, और लिंक पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको लेकर जाएगा कहां पर, ये डायरेक्टली प्ले स्टोर में लेकर जाएगा, और प्ले स्टोर में जाने के बाद टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ओपन करनी है, अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद गाइस आपको अपने उस मोबाइल नंबर से यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा जो लिंक है आपके पहले से किसी लोन के अंदर। तो यहां पर गाइज मैंने उस मोबाइल नंबर से यहां पर रजिस्ट्रेशन किया है जो मोबाइल नंबर से मैंने पहले कंज्यूमर लोन लिया था, यानी मेरे दोस्त ने जो लोन लिया था कंज्यूमर लोन, उससे मैंने यहां पर जो है लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जैसे मैंने इसको ओपन किया, यहां पर उनकी कंप्लीट डिटेल दिखाई दी, ठीक है, जो भी इनका नंबर था, जो भी इनका डीलर नेम था, जहां से जो भी लिया था सब दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंज्यूमर लोन इन्होंने यहां पर लिया था, तो उसकी डिटेल यहां पर आ चुकी है। अलाउ किया, अलाउ करने के बाद गाइज देखें यहां पर क्या आया हुआ है। ओपन करते ही प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन अप टू 3,30,000
30,000 रुपए का लोन ऑफर है अप्लाई नाउ करने के लिए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं। यानी गाइज जब आप यहाँ पर कोई लोन लेंगे, देखिए यहाँ पर इन्होंने पहले 17,000 रुपए का लोन ले रखा है, ठीक है, उसका टाइम से रिपेमेंट ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 4-5 लोन की ईएमआई जाते हैं, 2-3 ईएमआई जाते हैं, तुरंत ये सेकंड लोन के लिए भी ऑफर कर देता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इंस्टा ईएमआई कार्ड के लिए भी इनके लिए ऑफर है, इनके लिए एक साथ दो ऑफर कर रहा है टीवीएस कि आप इंस्टा ईएमआई कार्ड बना सकते हैं जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, 1,00,000 तक की लिमिट आपको मिल सकती है अगर आप पहले से कस्टमर है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो पर्सनल लोन है ये अप्लाई करते हैं, 30,000 रुपए का जो प्री अप्रूव्ड ऑफर है, अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम प्री अप्रूव्ड ऑफर लिखा आ चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जैसे ही हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया यहाँ पर इस तरह का पेज आ गया, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था वेलकम प्री अप्रूव्ड अमाउंट लोन 30,000, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 30,000 रुपए का लोन, आप अपनी मर्जी से इसको घटा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैक्सिमम 30,000 तक है, इसके नीचे भी आप कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर अलग ऑफर हो सकता है, आपके लिए कितने रुपए का ऑफर है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। ये प्री अप्रूव्ड ऑफर होते हैं, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होते हैं, ओनली अप्लाई करना होता है और आपके पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं। तो अभी क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, अप्लाई पर क्लिक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर क्या होगा, स्किप कर दीजिए इसको, ठीक है, सर्वे करने के लिए बोलता है, और जैसे आप इसको स्किप करेंगे, स्किप करने के बाद गाइज आपका काम खत्म। अभी जो पैसे हैं गाइज आपके अकाउंट के अंदर कैसे आएंगे, अभी आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आएगी, आपकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन में आपको जो डिटेल वो मांगे वो देनी होगी आपको, हो सकता है आपकी केवाईसी भी हो जाए, डॉक्यूमेंट वगैरह ले ले, हो सकता है नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि प्री अप्रूव्ड ऑफर में डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लेते, हमने इसको अप्लाई किया तुरंत, इसके बाद कोई आगे हमें स्टेप नहीं दिखाई दिया, हमने जो है इस लोन को अप्लाई कर दिया। और गाइज उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं 24 घंटे के बाद इनके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आई, वेरिफिकेशन कॉल में जो पूछा उन्होंने बताया, ठीक है, और उसके बाद इनके पैसे इनके अकाउंट के अंदर आ गए, ठीक है, और यहाँ पर ना तो ये पता चला कितने महीने का लोन है, यहाँ पर ना तो ये पता चला कैसे लोन ले रहे हैं, ठीक है, कितना प्रोसेसिंग फीस, कुछ नहीं है, सब कुछ उन्होंने खुद बताया, और उसके बाद जो उनके पैसे उनके अकाउंट के अंदर आ गए प्रोसेसिंग फीस वगैरह काटने के बाद है। तो गाइज अगर आप भी हैं पहले से टीवीएस के कस्टमर, आपने कोई कंज्यूमर लोन लिया है, टू व्हीलर लोन लिया, कोई भी लोन लिया, तो आप टीवीएस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, देखो वहाँ पर उस मोबाइल नंबर से लॉग इन करके जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है पहले से लोन में, आपको वहाँ पर 100% कोई ना कोई लोन या फिर जो है ईएमआई कार्ड के लिए ऑफर जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना जरूर गाइज, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूले, चैनल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए बस इतना ही।